तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों ने बहुत बार मुझे देखा है कि एक्रिलिक कलर का यूज़ करके मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाया है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि एक्रिलिक कलर मैंने पेपर पे किया है। तो दोस्तों पेपर पे आप लोग किस तरीके से एक्रिलिक कलर और ऑयल कलर को यूज़ कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, और कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पेपर के ऊपर ही दोस्तों मैं एक्रिलिक कलर का यूज़ करके पेंटिंग को बनाऊंगा। और ये वाला पेपर जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही पतली पेपर है, और इस पर आप लोग इजीली ऑयल और एक्रिलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला पेपर मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ में लिया है। आउटलाइन को दोस्तों मैं बिल्कुल फ्री हैंड बनाऊंगा और डायरेक्ट कलर से बनाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं ऑकर येलो कलर यूज कर रहा हूँ आउटलाइन को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आउटलाइन को बना दिया है। आप लोगों को दोस्तों बहुत सारे वीडियोस पे मैंने बताया है कि एक्रिलिक कलर को आप लोग बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं। मैंने स्मूथली यूज किया है, बहुत सारे पेंटिंग्स मैंने बनाया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में एक्रिलिक कलर को मैं स्मूथली यूज नहीं करूंगा, हर एक कलर को स्ट्रोक देकर बनाऊंगा। तो किस तरीके से स्ट्रोक को देना चाहिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बालों से शुरू कर रहा हूँ, और जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला है कि हर एक कलर को मैं स्ट्रोक करके दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। जिस पोर्शन पे दोस्तों डार्क है उस पोर्शन पे मैं ब्लैक कलर का यूज ज्यादा कर रहा हूँ, और जिस पोर्शन पे लाइट है व्हाइट कलर का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं फर्स्ट टोन को दे रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं डिटेल करूंगा धीरे धीरे। अगर आप लोग दोस्तों इस तरीके से कोई भी पेंटिंग करते हैं तो कलर को थोड़ा सा ठीक करके लगाइए, नहीं तो आपका जो पेंटिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टोन को मैंने किस तरीके से बनाया है, हर एक पोर्शन को मैंने स्ट्रोक देके बनाया है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत ही ज्यादा पतली ब्रश का यूज कर रहा हूँ छोटे छोटे पोर्शंस को देने के लिए, और कलर को मैं किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए।
बालों के ऊपर दोस्तों जो हाईलाइट है उसको मैं ऑकर और व्हाइट कलर का यूज करके दे रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बता देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप लोगों के लिए दोस्तों एक सरप्राइज गिफ्ट आने वाला है बहुत ही जल्द, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले हर वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।